ना पाऊंगी। सेम हियर, मैंने ऐसे चूल्हे को तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। और यहाँ हमें बैकवर्ड जाना पड़ रहा है? नहीं पिंकी जी, एक्चुअली हमारे कल्चर से, हमारे पूर्वजों की लाइफ उनके तौर तरीकों से पहचान कराई जा रही है। अरे बहनों, खाना बन गया है। अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो ए? मारे गुजरात की सुगंध सिर्फ खाने से ही नहीं, उसके पैरवेश से भी है। हाँ चलो चलो बनाओ। अरे बहनों, ऐसे मुंह चौड़ा के क्यों खाना बना रही हो हैं? और एक खाने के साथ कुछ गीत गाना भी चाहिए तो खाना बहुत अच्छा बनता है। हैं गुजरात का एकदम प्रख्यात ढोकला और दाल ढोकली, इन दोनों के बगैर तो गुजराती की पहचान ही अधूरी है। और ये तो ना विश्व प्रख्यात है प्रख्यात। मक्के की रोटी, सरसों का साग, स्वामी जी की शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि खाना कितना बकवास है। आप किस प्रांत की रहने वाली हैं? आलू के पराठे के साथ करेले की सब्जी, नारियल की चटनी, खीर, ये कैसा मेल है? यहाँ सबने अपने खाने में अपने अपने प्रांत को दर्शाया है। बताइए हमें कि आपने इस खाने से किस प्रांत को दर्शाया? ए बेनो, आज तो सत्यानाश, ये गई काम से। स्वामी जी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। स्वामी जी, हमने अपने पति के पसंद का खाना बनाया है।
करेले की सब्जी, आलू का पराठा और ये खीर, ये तो किसी संस्कृति में नहीं। हमारे घर में खाने की एक ही संस्कृति है स्वामी जी, अपनी अपनी पसंद। इसीलिए हमारे घर में सबकी पसंद का खाना बनता है। हमारी माँ ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि हमें जो भी पसंद है, जिस तरह से भी पसंद है, वही हमारी संस्कृति बन जाती है। और हमारे पति को इस तरह का ही खाना पसंद है। वाह, क्या बात, ये है मेरी पूनम बेटा, ये हुई ना मेरी बहू जैसी बात। सभी ने अपनी अपनी संस्कृति को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, इसलिए आज की विजेता कोई एक नहीं बल्कि आप सभी हैं। हाँ स्वामी जी, पर बधाई एक साथ विजय कैसे हो सकते हैं? आप लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे के भोजन का आनंद उठाइए। अनेकता में एकता, हमारे देश की इस विशेषता का हृदय से अनुभव कीजिए। पूनम जी, आपके पति बहुत ही भाग्यशाली हैं। केवल आकाश ही भाग्यशाली नहीं है स्वामी जी, हम सभी लोग भाग्यशाली हैं। मैं, मेरा परिवार, सारे लोग। आइए प्रभुनाथ जी, खाना खाते हैं। मजे आइए। आज के काम से आखिर क्या हासिल हुआ, और इस कॉन्टेस्ट के लिए ऐसे काम के क्या मायने हैं जिसमें सब जीत जाए? इस तरह हम सर्वगुण नंबर वन की प्रतियोगिता। शांत बच्चा शांत, जब मनुष्य का मन शांत होता है तो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाते हैं। अगर आप गंभीरता से सोच विचार करो तो आप ये पाओगे, आज का कार्य जो दिया गया था वो इस प्रतियोगिता में बहुत ही महत्व रखता है। ये जो महिलाएं आज विजयी हुई हैं, ये एक स्तर पर आज पहुंच गई हैं। इन महिलाओं के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हो, अनेकता में एकता, ये मात्र एक नारा नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष का सदियों पुराना संस्कार है। ये महिलाएं इस प्रतियोगिता के द्वारा बहुत कुछ सीखेंगी और उसका अनुभव करेंगी। ठीक है स्वामी जी, जैसा आप कहें। मम्मी, भूख लग रही है। बस अभी थोड़ा सा ही काम रह गया, चलते हैं कुछ खा के आएंगे। स्वामी जी, क्यों ना इन बच्चों को आज खाना खिलवाया जाए, और वैसे भी हमारे आश्रम में कितना बढ़िया भोजन बना है, तो इन बच्चों को उन महिलाओं के पास भेज देते, बाकी आप जैसा चाहें। सही कह रहे हैं आप। सेवक जी, स्वामी जी, इन बच्चों को बुलाओ। आओ बच्चों, स्वामी जी बुला रहे हैं, आओ।
आ जाओ। स्वामी जी की जय। बच्चों, आज आश्रम में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है, तुम लोग भी जाकर के भोजन कर लो। पूनम जी, हमको आपका खीर ना बहुत स्वादिष्ट लगा। और तुम्हारा लिट्टी चोखा वो भी बहुत स्वादिष्ट है, मैंने पहली बार खाया है। हमें तो आप दोनों का खाना बहुत पसंद आया। अरे ये बात तो स्वामी जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा खाना सबसे अच्छा बना है, पर फिर भी स्वामी जी ने सबको जिता दिया, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। हो बिल्कुल सही कहा पारुल बहन, तुम्हारा दाल ढोकली तो एकदम अलग है। एक्सक्यूज मी, सबसे अच्छा खाना मेरा है, क्योंकि ना ही वो स्पाइसी है और ना ही ऑयली, इसलिए हेल्दी है और टेस्टी तो है ही। वैसे भी अच्छा खाना तो अच्छी भावनाओं से बनता है, तेल और मसालों से नहीं, इसलिए सबसे अच्छा खाना तो मेरा ही है। अच्छा खाने के लिए टेस्ट होना बहुत जरूरी है, जो ये तुम्हारे मरीजों वाले फीके खाने में नहीं हो सकता। ए पेस्ट्री, मैं और खाना लेने जा रही हूँ, तेरे को चलना है तो चल मेरे साथ। राजा भैया, और खबरदार जो मेरे जॉग प्रख्यात ढोकले को पीली बर्फी बोला है तो। हाँ चलो ऑटो ऑटो, और कहाँ से आ गए मेरे इतने अच्छे खाने को नजर लगाने भिखारी कहीं के। लगता है ना इस आश्रम का चौकीदार सो गया है, तभी तो ये भिखारी बच्चे इधर घुस गए। कितनी बदबू आ रही है इनमें से। हाँ उनो, कहीं ऐसा तो नहीं इन्हें स्वामी जी ने भेजा हो ये देखने के लिए कि कहीं हम लोग इन्हें। सत्यानाश, ये बेइज्जती, तेरे को तो हर जगह मीडिया और कैमरा ही दिखता है। आंखें खोल के चारों ओर देख, कहीं दिख रहा है तुझे मीडिया है? अरे ये स्वामी जी ने नहीं भेजे, ऐसे ही भिखारी कहीं के खाना देख कर आ गए खाना खाने के लिए। चल यहाँ से, ए ऑटो ऑटो यहाँ से, चल चल चल। पूनम जी, हमें बच्चों को खाना देना चाहिए, वो भूखे लग रहे हैं ना। ठीक है, आप उन्हें बुलाकर लाइए, तब तक हम खाना लगा देते हैं। जाओ उन बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला। उन्हें खाने का मैं जीतना चाहती हूँ। अरे रुको रुको बच्चों, ये लो खाओ ना। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो बच्चों, चलो बैठकर आराम से खाओ। ठीक है, कोई किसी को नहीं खिलाता, सब लोग अपने नसीब का खाते हैं, इसलिए अच्छे से और पेट भर के खाओ। ठीक है, क्या कर रही हैं आप लोग? एक अकेली लड़की इन बच्चों को भोजन करा रही है और आप लोग तमाशा देख रही हैं?
सही कहा स्वामी जी आपने। इतनी आजाद ख्याल ये लड़की, कम से कम इसमें इतनी समझ तो है कि भूखे बच्चों को दया भाव से भोजन कराया जाए। हमें और किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। देखा, मैंने कहा था ना स्वामी जी ने इन्हें भेजा होगा। हमें खाना खिलाना था इन बच्चों को, अब खाओ डांट। अनाज पर मेरे को थोड़ी पता था कि स्वामी जी ऐसे गंदे भिखारी भी भेजेंगे। मैंने सोचा था कि आप लोगों के अंदर दया और करुणा की भावना होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों के पास इतना खाना होते हुए भी मात्र एक लड़की इन बच्चों को भोजन करा रही है, और आप लोग मजे से खाना खा रही हैं। अतिथि देवो भव, ये भारतवर्ष की संस्कृति है, जिसका आप लोगों का भी इससे संबंध होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप लोग अपने संस्कृति और संस्कारों में चाहे जितना भी निपुण हो, इसका क्या अर्थ, सब व्यर्थ है। क्या आप लोग अतिथि का स्वागत ऐसे ही करती हैं? आज मुझे आप लोगों से बहुत ही निराशा हुई। आज जो कार्य आप लोगों को दिया गया था, उसका उद्देश्य था आप लोगों को हंसते खेलते एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगे, और आप लोगों के बीच आपस में मित्रता बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए आज किसी एक को विजेता घोषित ना करके आप सभी को विजेता बनाया गया, जिसका मुझे बहुत खेद हो रहा है। आज आप लोगों ने मुझे अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर दिया, इसलिए हर दिन की तरह आज भी किसी एक विजेता की घोषणा की जाएगी। वो है तान्या। आज मेरा हृदय बहुत खिन्न हो गया है, मैं भोजन नहीं करूंगा। स्वामी जी, हम आपके फैसले से सहमत नहीं हैं, क्योंकि आपका फैसला गलत है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।